नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजी वे ग्लोबल। दोस्तों, भारत सरकार की तरफ से आईटीआई छात्रों के लिए एक बेहद ही बढ़िया कार्यक्रम शुरू किया गया है। स्किल इंडिया डिजिटल के माध्यम से अब छात्रों को विदेश में नौकरी करने का मौका मिलेगा, उनको विदेशों में प्लेसमेंट किया जाएगा और इसमें सरकार आपका सहयोग करेगी। इसके लिए बाकायदा एक पोर्टल का भी निर्माण कर दिया गया है। इस पोर्टल के बारे में जानकारी कैसे मिलेगा, इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कैसे होगा और क्यों इसे बनाया गया है, इसके जानकारी के लिए आप हमारा जो YouTube चैनल है इंस्टीट्यूट गेट को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब डिजिटल इंडिया पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, इसके बारे में पूरी जानकारी के लिए, या डिजिटल इंडिया पोर्टल है क्या, इससे कैसे प्लेसमेंट होगा, तमाम जानकारी के लिए आप इंस्टीट्यूट गेट YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब वाले बटन को दबा लीजिए और लाइक कर लीजिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो YouTube चैनल है ना, इस पर आपको बहुत सारा ऐसा कंटेंट मिलेगा जो आपको इन्फॉर्मेशन का भंडार देगा। अगर अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, तो आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, चीजों की जानकारी होनी चाहिए कि आपके आसपास क्या हो रहा है, कौन से कंपनी में कैसे नौकरी मिलता है, कौन से कंपनी क्या करती है, कौन सा एग्जाम कंडक्ट होता है। ये सारी जानकारी आपके पास रहेगा ना, तो अपनी जिंदगी के फैसले लेने में आपको परेशानी नहीं होगी। इसीलिए इंस्टीट्यूट गेट यूट्यूब चैनल पाइए और इसके सारे वीडियो को देखिए। बहुत काम के बहुत सारे वीडियो बनाए गए हैं जो आपके जानकारी को 10 गुना बढ़ा देगा। आपको देखना चाहिए, सारे वीडियो को देखिए। इस पे आने वाले एक वीडियो आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। इसीलिए इंस्टीट्यूट गेट यूट्यूब चैनल को जाकर जल्दी से सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए। तो चलिए कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। सरकार का मानना यह होता है कि सबको सरकारी नौकरी नहीं दिया जा सकता, ये सच्चाई भी है। मात्र जितने भी बच्चे क्वालिफिकेशन एक्वायर करते हैं ना, उनमें से 4-5% ही बच्चे सरकारी नौकरी में जाते हैं। इतना ही सीट है पूरे देश में, बाकी के बच्चे क्या करते हैं, तो अपने क्वालिफिकेशन के बियॉन्ड जाकर काम करते हैं। लेबर वाला काम में लग जाते हैं, समोसा बेचना शुरू कर देते हैं, ठेला लगाना शुरू कर देते हैं, कंपनियों में काम करना शुरू कर देते हैं, मतलब ऐसे जैसे तैसे जिंदगी को गुजारना शुरू कर देते हैं। तो उनके लिए सरकार ने एक व्यवस्था लाना शुरू कर दिया है कि वो एक पोर्टल को लॉन्च कर दिया है। इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और आपको यहां पर मालूम चलेगा कि आपके अकॉर्डिंग कौन कौन से स्किल है जिसको इंप्रूव करके आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए सऊदी अरबिया जाना है, आपको प्लम्बिंग का काम आना चाहिए, आपको प्रेशर गेज का काम आना चाहिए, आपको पाइप फिटिंग का काम आना चाहिए क्योंकि वहां पे पाइपलाइन पर ज्यादा काम होता है। इलेक्ट्रीशियन के भी काम होते हैं, प्लम्बर के भी होते हैं, फिटर के भी होते हैं, लेकिन आपके फील्ड से रिलेटेड और कौन सा स्किल है जिसको आपको इंप्रूव करना है। मान लीजिए आप फिटर हैं, आपको प्रेशर गेज नहीं चलाने आता है, आपको छोटी मोटी वेल्डिंग नहीं करने आती है, आपको पाइप फिटिंग नहीं आता है, तो थोड़ा बहुत स्किल में परिवर्तन कर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन ही है, वायरिंग नहीं आती है आपको, है ना, बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिसको चलाना नहीं आता है, लेटेस्ट बहुत सारे डिवाइस है इसको ऑपरेट करने आना चाहिए आपको, नहीं आता है, उसी के लिए सरकार ने बोला कि आप अपने स्किल को इंप्रूव कीजिए और इसके बाद आप जॉब के लिए प्लेसमेंट के लिए अप्लाई कीजिए, हम आपको प्लेसमेंट देंगे। और उस पर बहुत सारे जो बिजनेसमैन है ना, जिनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, वो भी वहां पे रिक्रूट करेंगे, जाकर डायरेक्ट बच्चों का एप्लीकेशन लेके रिक्रूट करेंगे। तो मेरा ये मानना है कि ठीक है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, करिए, साथ ही साथ प्लान बी पे भी काम करना है आपको। प्लान ए है कि हमको इसरो में जाना है, डीआरडीओ में जाना है, बार्क में जाना है, लेकिन प्लान बी होना चाहिए कि अगर मान लीजिए सफलता नहीं मिला उधर, तो पूरी जिंदगी तो ये ऐसे नहीं गुजारेंगे। पैसा कमाना है, अच्छी लाइफ बितानी है, तो हम अपना स्किल को भी डेवलप करते रहेंगे, हम प्लान बी पे भी चलेंगे और प्लान बी के लिए भी हम लोग काम करते हैं आपके लिए। इंस्टीट्यूट गेट जो यूट्यूब चैनल है ना, इंस्टीट्यूट गेट एक कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको सपोर्ट करेगा प्लान बी के लिए, कि आपको बिजनेस करना है, कि प्लेसमेंट लेना है, क्या करना है, सारी चीजें बैंक का मदद चाहिए, सब करवाएंगे। लेकिन इसके लिए अभी से परेशान नहीं होना है। जो काम आप कर रहे हैं, मान लीजिए गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी करें, गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कीजिए, साथ ही साथ टाइम मिले तो ये छोटा मोटा स्किल कोर्स भी कर लेना है। अभी जो आप कर रहे हैं उसमें करना है, उसके प्लान को चेंज नहीं करना है। जो तैयारी नहीं कर रहा है उनको तो अभी ही जाकर पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करके अपने काम में लग जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखिए यहां पर क्या लिखा है कि सालाना 11 लाख युवाओं को विश्व स्तरीय ट्रेनिंग मिलेगी। सालाना 11 लाख युवाओं को सरकार की तरफ से विश्व स्तरीय ट्रेनिंग दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? अब दुनिया में स्किल्ड वर्कफोर्स का सप्लायर बनने की तैयारी में भारत। भारत पूरे दुनिया में स्किल वर्क फोर्स का सप्लायर बनने वाला है। मतलब यहां से बच्चों को स्किल दिया जाएगा और उनको प्लेसमेंट किया जाएगा, कहां, विदेशों में। आपको जानकर हैरानी होगी कि 18 से लेकर 56 साल के जो युवा है,
56 साल के युवा तो नहीं बोलते हैं, 56 साल उम्र तक के जो लोग हैं भारत में, टोटल 87 करोड़ लोग हैं जो स्किल ट्रेनिंग लिए हुए हैं या कहीं ना कहीं से टेक्निकल डिग्री लेकर बैठे हुए हैं। उसमें से मात्र 56 करोड़ ही लोग रेगुलर वर्किंग में हैं, और उसमें से भी बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अपनी स्किल में काम करते हैं। ये डेटा है। लेकिन भारत सरकार चाहती ये है कि नहीं, इसको चेंज किया जाए। आप जिस फील्ड के एक्सपर्ट है उसी फील्ड में अपने स्किल को अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन, अभी के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी स्किल को और इम्प्रूव कीजिए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को समझिए और अपने ही स्किल से आगे बढ़िए। इसके लिए भारत सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया, उसका नाम है स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल, और इसके बारे में आपको बताया था इंस्टीट्यूट गेट पे हम बताने वाले हैं। अब इस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना है, 1 महीने के अंदर 4 करोड़ रजिस्ट्रेशन हो चुका है इस पोर्टल पे। 1 महीने के अंदर में कितना हुआ, 4 करोड़ लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, और भारत सरकार का जो टारगेट है कि 70 करोड़ लोगों का हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, कितना, 70 करोड़ का, और इसमें से हम प्लेसमेंट भी करेंगे और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का हम ट्रेनिंग देंगे। और इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको बहुत सारा सुविधा मिलेगा, जैसे स्किल ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है वहां जाइए, या आप घर बैठे ऑडियो वीडियो के माध्यम से भी बहुत सारी स्किल का ट्रेनिंग ले सकते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि कंप्यूटर रिलेटेड कोई सॉफ्टवेयर का नॉलेज लेना है आपको, घर बैठे कर सकते हैं कोपा वाले, है। इस तरीके से आपको ट्रेनिंग दी जाएगी ऑनलाइन ऑफलाइन ऑडियो विजुअल की तरह से भी, और इस पे एनिमेटेड बुक भी उपलब्ध रहेगा। और इस पोर्टल पर उद्यमी भी पोर्टल की मदद से हुनरमंद कामगार को रख सकेंगे, उद्यमी भी उस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करेंगे, आपको वहां से हायर करेंगे, ये सारा काम होने वाला है। तो करना क्या है, आपको भी इस पे जाकर रजिस्ट्रेशन कर लेना है, और इसके लिए इंस्टीट्यूट गेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, जहां पे डिटेल्स में हम बताने वाले हैं कि भाई वहां पर क्या क्या होने वाला है, ठीक है। एक वीडियो था जिसके माध्यम से हम बताना चाह रहे थे कि आपको ये जानकारी मिले। अब भारत में क्या हो रहा है कि सेमीकंडक्टर जैसे नए क्षेत्र में स्किल बन रहा है ना, भारत सेमीकंडक्टर का हब बनने जा रहा है। इससे पहले हम ताइवान सेमीकंडक्टर का दुनिया का सबसे बड़ा सप्लायर है, तो भारत इस दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है कि सेमीकंडक्टर का निर्माण हम खुद करेंगे। अब उसके लिए नया कोर्स लॉन्च भी करेगा सरकार, और तमाम देश में जितने भी आईटीआई है ना उसमें अब चीजों को चेंज किया जाएगा, ठीक है ना। इसके लिए क्योंकि भारत कहीं ना कहीं रोजगार की समस्या से जूझ रहा है, और पूरा विश्व में एक स्किल ट्रेनर की काफी आवश्यकता है। हमारे कई दोस्त हैं जो विदेशों में काम करके अच्छी सैलरी कमा रहे हैं, लाखों की सैलरी है उनको, बस आईटीआई किए हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा स्किल ट्रेंड है, उनको सारा काम आता है और इसीलिए पैसे कमाते हैं। और इंडिया जैसा काम नहीं होता है वहां पे कि भाई 12 घंटा कर रहे हैं 8 ही हजार मिल रहा है और मैन्युअली काम हो रहा है, नहीं, वहां पे सिस्टम से काम होता है, आपके इफिशियंसी को बढ़ा दिया जाता है, कितना आसानी से काम हो सके उतना आसानी से काम करवाया जाता है, और की सैलरी बिल्कुल गवर्नमेंट के बराबर ही दी जाती है। ये सारी सुविधाएं आपको विदेश में मिलता है, इसीलिए सरकार भी चाह रहा है कि चलिए हम दुनिया का सबसे बड़ा युवा देश है और युवाओं को पूरे भारत में रोजगार देना काफी मुश्किल काम है, इसीलिए हम लोग स्किल ट्रेंड करके पूरे विश्व में अपना राज फैलाएंगे, पूरे विश्व पर अपना राज करेंगे, तो काफी अच्छा पहल है। बस इसको अच्छे से सरकार इंप्लीमेंट कर दे तो काफी बढ़िया रहेगा। बाकी चलिए और भी कोई जानकारी होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी इंस्टीट्यूट गेट को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, उस पर हम बहुत जल्द मिलने वाले हैं इसी वीडियो को लेकर। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।